भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों आजमगढ़ में अपने चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आए दिन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि उनके काफिले से कुछ ही दूर पहले पत्थरबाजी हुई थी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे थे, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है और नीचे कैप्शन में लिखा है कि अपने बच्चों को पत्थरबाज न बनाए, घर घर कमल खिलाए। और उन पत्थरबाजों पे तंग कसते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा भी लगाया। और आपको बता दें कि निरहुआ के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने अभी तक वो काम नहीं किया जो कि आजमगढ़ में होना चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ का साफ कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा पार्टी का गढ़ है तो इसमें अभी तक उतना काम नहीं हुआ है जितना काम होना चाहिए। अगर वो आजमगढ़ से चुनकर आते हैं तो वो आजमगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। वैसे निरहुआ का ये वीडियो देखकर लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके खिलाफ कोई नारेबाजी कर रहा है या पत्थरबाजी। निरहुआ अपना काम करने में यकीन रखते हैं और पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाने में यकीन करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।